पार्ट ट्रांसफर कैटेगरी में कब आती है? बड़ी सिंपल सी बात है, डेफिनेशन वाली बात है, जिसके अंदर से इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है आपके पास, दे ट्रेवल और दे मूव्स और दे मूव्स और या फिर बच्चे वो मूव करते हैं टू एंड फ्रो परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ दी प्रोपोगेशन ऑफ दी वेव, डायरेक्शन ऑफ दी प्रोपोगेशन ऑफ दी वेव, प्रोपोगेशन ऑफ दी वेव। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ट्रांसवर्स वेव। इसकी हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या, जैसे गिटार के ऊपर आपके पास स्ट्रेच, जो गिटार की स्ट्रिंग होती है उसके ऊपर जो वेव बनती है, तो इस वेव के अंदर क्या होता है, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो कि टू एंड फ्रो आपके पास मूव कर रहे हैं, ये टू एंड फ्रो हमारे पास मूव कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर जो वेव है, ये वेव आपके पास इस तरीके से, ये वेव आपके पास इस तरीके से एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ को चलेगी। मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं और वेव हमारे पास एक्स डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर जाती है, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाती है, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव, जैसे कि हमारे पास वेव ऑन दी वेव ऑन दी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, दी वेव ऑन दी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग को अगर स्ट्रेच करके उसके अंदर वेव को बनाया जाए, प्लक करके छोड़ दिया जाए तो वाइब्रेट करती है और जो वाइब्रेशंस होती है वो ट्रांसवर्स वेव की के अंदर आ जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास नेक्स्ट इस वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके पास होते हैं जो छोटी क्लासेस में भी आपको बताई जाती है। जैसे हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव होती है बच्चे, इस ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमारे पास वेव के कुछ पार्टिकल्स बहुत ऊपर तक जाते हैं, ऊपर अल्टरनेटिवली ऊपर और नीचे, हर एलिमेंट जो इस वेव का हिस्सा है, हर एलिमेंट जो इस वेव का हिस्सा है, वो अपनी बारी आने पे अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के ऊपर जाता है या नीचे जाता है और बच्चे फिर से दोबारा मेन पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन अपनी बारी आने पे। ऐसा नहीं है कि वेव शुरू हुई बच्चा आपके पास एक्स पे और बच्चे वो एकदम से आगे पहुंच गए, नहीं, अपनी बारी आने पे, जैसे एक रस्सी है, रस्सी को जर्क अगर हम देते हैं तो जब उसकी बारी आएगी, जब पीछे से डिस्टर्बेंस आएगी तो ही वो अपनी जगह से रेज होगी और बच्चा अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, तो ये वेव बन जाती है। हमारे पास ये जो वेव बनी, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको छोटी क्लासेस में हम क्या बोलते थे बताओ, इसको हम बोलते थे क्रस्ट ऑफ द वेव, और नीचे वाले वेव को हम क्या बोलते थे, नीचे को हम बोलते थे ट्रफ। हम बोलते थे ये वेव की मेरे पास एक साइकिल है, ये वेव की मेरे पास एक साइकिल है और इस वेव की साइकिल को कंप्लीट होने में एक टी सेकंड का टाइम लगता है, कैपिटल टी सेकंड का टाइम लगा, जिसको हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। ये एक साइकिल है, तो एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स है, तो अब देखो कैसे निकलेगा, टी सेकंड्स के अंदर अगर एक साइकिल है तो एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स हो जाएगी, तो आप बोलोगे 1/T, तो 1/T साइकिल्स पर सेकंड, तो CPS मतलब साइकिल्स पर सेकंड, और इसका एक और नाम बन जाता है, बताओ क्या नाम बन जाता है, 1/T इज आल्सो कॉल्ड F, द F इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, द F इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, आप इस F को बच्चे फ्रीक्वेंसी का नाम बच्चे हम दे देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर वेव से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल्स ऊपर नीचे ट्रेवल कर वाई एक्सिस पे और जो वेव है वो एक्स एक्सिस पे जा रही है, क्लियर। चले आगे की तरफ, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास एक तरह की वेव और भी एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम हमारे पास क्या आ जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसका नाम हमारे पास क्या आ जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे चलते, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ पार्टिकल के, नेचर ऑफ पार्टिकल मोशन पे
डिसाइडेड है कि मीडियम के पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर हमारे पास क्या होता है, दे आपके पास टू एंड फ्रो मोशन, द टू एंड द फ्रो मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ आपके पास ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स द टू एंड द फ्रो मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द मीडियम इन द मीडियम इन द मीडियम इज अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द ये बच्चा अलोंग द प्रोपोगेशन क्या बच्चे अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव ट्रेवलिंग इन अ मीडियम 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 कैसे। मेरे पास यहां पर एक मीडियम और मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल्स यहां पर प्रेजेंट है, तो नॉर्मली ये पार्टिकल हमारे पास किसी भी मीडियम के अंदर आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अगर मैं पार्टिकल्स को दिखाऊं तो हम बोलते हैं चलिए ठीक है मोशन भी है, लेकिन हम मानते हैं कि ये पार्टिकल्स हमारे पास कुछ इस तरीके से लोकेटेड है विदाउट एनी वेव, अभी इसमें कोई वेव आपके पास ट्रेवल नहीं कर रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल्स हैं और कोई किसी किस्म की वेव इसमें ट्रेवल नहीं कर रही, और सडनली इसके अंदर एक वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। सो दिस इज द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम और इसमें सडनली एक वेव एक डिस्टरबेंस ट्रेवल कर जाती है, देन लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसे सेटअप होती है। इस लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर कुछ पार्टिकल्स बहुत क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत क्लोज हो जाते हैं, अब क्योंकि डिस्टरबेंस है ना तो कुछ पार्टिकल्स बहुत आपके पास क्लोज हो जाते हैं। ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे आसपास भी ऐसा हो रहा है, तो वो इसका मतलब पार्टिकल क्लोज कैसे आ गए, तो मतलब कुछ पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर इनके पास आ गए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर दी, और कुछ पार्टिकल्स जहां से अपनी जगह छोड़ के आए वहां पर बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगी पार्टिकल्स मूव ही नहीं किए कुछ पार्टिकल्स, फिर आगे चल के बच्चा हमारे पास आपको लगेगा पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। ये कुछ ऐसा प्रेशर हम इसमें क्रिएट करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसा ही हो रहा है, जो मेरे मुंह के आगे पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन क्लोज हो रही है, उसके आगे वाले पार्टिकल्स ठीक है हो गए बच्चा हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज हो गए, फिर हमारे पास पार्टिकल्स के बीच का यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है, पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ जाता है, फिर उसके आगे वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाता है कम हो जाता है। ये ऐसे ये तब हुआ जैसे सपोज कि किसी पर्सन ने यहाँ पर साउंड वेव या प्रेशर वेव को क्या किया एग्जर्ट किया, यहाँ पर ये विदाउट वेव एक मीडियम है, ये विद वेव आपके पास मीडियम है, तो पार्टिकल के मीडियम अब ऑसिलेट करने लग गए, जहां पर वो बहुत क्लोज आ जाते हैं तो आपका लगता है कि पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज हो गए अपनी अपनी पोजीशन को छोड़ के क्लोज हो गए, और दूसरे कई ऐसे पार्टिकल्स हैं जैसे यहां पर बताऊं तो यहां पर पार्टिकल्स अभी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, यहां पर भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, यहां पर भी पार्टिकल अपनी अपनी पोजीशन मीन पोजीशन को छोड़ के एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हैं क्लोज हो चुके हैं। यहां पर हम बोलते हैं कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया, कंप्रेशन यहां पर मेरे पास रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो गया, यहां पर मेरे पास कंप्रेशन यहां पर रेयर फ्रैक्शन और यहां पर कंप्रेशन, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कुछ इस तरीके से हमारे पास ट्रेवल करती है। तो जैसे वहां पर क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं तो यहाँ पर एनालॉजी में आपके पास क्या बन जाता है कंप्रेशन, सी बोले तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया सी बोले तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया तो सी मेरे पास यहाँ पर कंप्रेशन बन गया और आर मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया आर मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, तो आप बोलोगे सर यह हमारे पास रेयर फ्रैक्शन बन गया। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे क्रस्ट और ट्रफ होता है तो यहाँ पर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, तो मतलब इसकी एक साइकिल आपके पास इस तरीके से बन जाएगी, ये एक साइकिल है, ये टाइम पीरियड हमारे पास कैपिटल टी, ये टाइम पीरियड आपके पास कैपिटल टी, इसका इनवर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रेशर वेव होगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है अगर आपसे बात की जाए तो आप बोलोगे साउंड वेव,
इसके आगे काम खत्म, इसके आगे टीचर आपसे दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। साउंड वेव परफेक्ट, जो कि प्रेशर वेव है जिसमें कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मीडियम के पार्टिकल्स भी ऐसे मूव करेंगे, अलोंग दी वेव ट्रेवल करेंगे, और अगर ट्रांसवर्स वेव होगी तो मीडियम के पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करते हैं और वेव आप तक आती है। पर साउंड वेव ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जाम्पल। अब हमारे पास यहां पर आ जाती है वेवलेंथ। अब कोई बच्चा बताए कि वेवलेंथ आपके पास क्या होती है, छोटी क्लासेस की व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ लैम्डा डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ है, या फिर बच्चे एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक पूरी वेव की लेंथ है। यहाँ पर कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास जैसे एक, जैसे हम बोल सकते हैं बच्चा हमारे पास दो क्रेस्ट के बीच में भी बोल दिया जाता है कई बार कि दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस है, ये हमारे पास लैम्डा डिस्टेंस होता है, तो ये आपके पास मीटर। और एक और चीज बताऊं, वेलोसिटी ऑफ द वेव कैसे दी जाती है? अगर मैं आपको पूछूं वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे दी जाती है, अब ये छोटी क्लासेस की बातें हैं, तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है काके, बड़ी सिंपल सी बात होती है, दिस इज सिंपल फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा। अब ये फ्रीक्वेंसी अपॉन बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, लैम्डा। ये हमको पता होता है ये छोटी क्लासेस में। सपोज कि मेरे पास कोई टीचर बोल देता है कि कोई मेरे पास ऐसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज के बराबर है, और मेरे पास कोई ऐसी वेव है जिसका लैम्डा मेरे पास 10 मीटर के बराबर है। और टीचर आपको यहां पर अब बोलता है, यहाँ पर टीचर हमारे पास यहाँ पर क्या, एक I'm sorry for that, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, मैं मल्टीप्लाई नहीं, ये फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तो हमारे क्योंकि वी इज इक्वल टू हम, बिल्कुल। तो आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, को भी दिमाग में कोई और बात चल रही होती है तो हम थोड़ा सा हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर पता लगता है नहीं गलत। वेलोसिटी लैम्डा अपॉन टी नहीं कर सकते क्या बेटा? लैम्डा अपॉन टी, तो बेटा बात तो वही होगी, फ्रीक्वेंसी 1/T के बराबर होता है। बात तो सेम है ना लड़के, हाँ है ना? ठीक है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा आ गया। बताओ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका? तो वेलोसिटी इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गया 300 और लैम्डा बचे 10, तो जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा, 3 × 10^3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो यहां पर मैंने आपको क्या सिखाया, वेव हमारे पास दो तरह की और भी हो सकती है। वन, दिस इज नोन एज टू बी द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एंड द अदर विच इज नोन एज टू बी द ट्रांसवर्स वेव। छोटी क्लासेस की बातें हैं, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, और कोई डेफिनेशन क्या करनी है, अरे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी बच्चा इसको याद कर सकता है, कोई भी बच्चा याद करके सुना सकता है। आगे चलते हैं, आगे बच्चा अगर हम यहां पर चले तो मेरे पास अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि किसी भी मीडियम के अंदर वेव अगर चलती है, हालांकि मैं करवा चुका हूं, एक तो उसके पास इनर्शिया होनी चाहिए, दूसरी उसके पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए, और तीसरा लेस फ्रिक्शन होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें हम करते हैं तो उसके बाद हमारी डिस्कशन शुरू होती है बच्चे, और हम डिस्कस करना यहां पर शुरू करते हैं बच्चे, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ऑन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ऑन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। और ये हमारे पास मेथड ऑफ डायमेंशन से हम इसको निकालेंगे, एंड वी विल यूज द मेथड ऑफ द डायमेंशन टू फाइंड द वेलोसिटी, टू फाइंड द वेलोसिटी मेथड ऑफ द डायमेंशन। इसमें हम इस तरीके से इसको डिराइव करेंगे। तो हमारे पास यहां पर क्या कि कंसीडर, हम यहां पर कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ वायर, एक वायर है आपके पास अंडर द टेंशन कैपिटल टी, अंडर द टेंशन, देखिए उसमें टेंशन होनी चाहिए, अंडर द टेंशन ऑफ कैपिटल टी, भैया उसमें टेंशन होनी चाहिए, बड़ी तगड़ी टेंशन होनी चाहिए। टेंशन नहीं होगी तो आवाज नहीं आएगी, नहीं तो बच्चा आप करके देख लो, गिटार की वायर लेके उसको अकेला लटका दो हवा में, उसको स्ट्राइक करते रहो, कोई आवाज आएगी नहीं,
जितना जोर से खींचोगे, बढ़िया से खींचोगे, उतनी ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। तो कंसीडर वायर अंडर द टेंशन टी एंड आपके पास मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी मास पर यूनिट लेंथ आपके पास रहती है, द मास पर यूनिट लेंथ में, जहां पर m मास ऑफ द वायर है बच्चे आपके पास, और l मेरे पास लेंथ ऑफ द वायर, तो ये आपके पास है, ये उसके अंदर टेंशन t है और उसका मास पर यूनिट लेंथ, के टीचर इसको लीनियर मास डेंसिटी भी बोल देते हैं, याद रखिएगा। द वेलोसिटी, अब देखिएगा बच्चे, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, इसके ऊपर जो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी है बच्चे, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन टेंशन टी, डिपेंड्स ऑन टेंशन टी, इट डिपेंड्स ऑन द टेंशन टी एंड आपके पास लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि म्यू, लीनियर मास डेंसिटी आपके पास म्यू। तो मेथड ऑफ डायमेंशन क्या बोलता है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन की पावर एक्स और म्यू की पावर आपके पास वाई, और हमारे पास यहां पर वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड टेंशन जो कि फोर्स है की पावर एक्स और मास पर यूनिट लेंथ, ये आपके पास वाई आ जाएगा। जहां पर मेरे पास के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, पहले चैप्टर में पढ़ा था, तो मेरे पास आ गया एम जीरो एल टी माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू के डायमेंशनलेस कांस्टेंट टेंशन टी, तो टेंशन टी फोर्स है, तो एम एल टी माइनस ऑफ टू रेस टू पावर एक्स म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, तो एम एल माइनस ऑफ वन, एम एल माइनस ऑफ वन, एम एल माइनस ऑफ वन रेस टू पावर वन, रेस टू पावर वन। अब हमारे पास यहां पर कंपेरिजन रह गया, मास की पावर जीरो, लेंथ की पावर वन, और यहां पर टी की पावर माइनस ऑफ वन, यहां पर मास की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। वी हैव द एल की पावर, गलत हो गया, एक्स प्लस वाई आ जाएगी, एल की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, दिस विल बी एक्स माइनस ऑफ वाई, और टी की पावर माइनस ऑफ मेरे पास टू एक्स। तो सबसे पहले टी की पावर कर लेते हैं बच्चे, अभी तो हम इतने चलाक हो चुके हैं कि हमें पता है कि किसकी पावर लगाकर हमारा आंसर जल्दी आएगा, तो माइनस ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर मेरे पास एक्स की वैल्यू हाफ आ गई, ये आ गई हाफ बच्चे। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या बच्चे हमारे पास, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पर रहेगी वाई की पावर। कैसे निकाले, बहुत सिंपल सी बात है, एम की पावर, देखो मैं लेंथ की तरफ जाऊंगा ही नहीं, मुझे लेंथ की तरफ जाने का कोई मतलब ही नहीं, मैं आसान करूंगा कि मास की पावर जीरो है, यहां पर मास की पावर एक्स प्लस वाई है, तो देयरफॉर अब एक्स हाफ है तो वाई क्या होगा, माइनस हाफ, तभी तो दोनों का सम आ जाएगा जीरो। तो मेरे पास यहां पर वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ टेंशन इन द वायर अपॉन म्यू, आपके पास क्या आ जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी या मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ये डेरिवेशन है, ये अब अगर आपको स्कूल में टीचर पूछता है तो दिस विल बी कम फॉर द थ्री मार्क्स, ये तीन मार्क्स के लिए आती है। हालांकि कई केसेस में टीचर इसको करवाता नहीं है, बोलता है कि यार डायमेंशन आपको आने ही चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटल चीजें हैं, अगर ये नहीं आती है तो हम थोड़े से प्रॉब्लम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ओके हर्षुल, आपके जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक टीचर है बच्चे, और मैं आपको आपके साथ पोस्टर शेयर कर दूंगा कि वो हिमाचल के आपके जो है वहां पर आप जाकर अपना प्रोजेक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है, उनके पास जाकर आप बात कर सकते हो, ऊना के अंदर है, ठीक है बेटा, क्लियर है सर? कहाँ पे? मैं क्या ज़ूम नो सर, आवाज़ ही नहीं आपकी, अभी 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 आ रही है? यस सर। अब बीच में आजकल जो है ना ज़ूम, जो है ना ज़ूम के भी हो गए हैं, वो थोड़ा सा वो करता है आपके पास। हाँ जी बोलो सर। प्लस टू में कास्ट जॉइन करने का फायदा है?
क्या बेटा? प्लस टू में आकाश ज्वाइन करने का कोई फायदा है? बेटा देखिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस है बच्चे, मैं इसके ऊपर कभी कमेंट करता ही नहीं हूँ, ठीक है? मैं आपके पास कमेंट करता नहीं हूँ बच्चे इसके अंदर से, क्योंकि जो मेरे हुआ है कि मेरे साथ में एक बच्चा है और वो बच्चा बिल्कुल खाली पेपर छोड़ के आया और उसको वो 90% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज बच्चे हमारे पास जो है हुई है, और बच्चा हंस रहा था तो मैंने उसको बोला, मैं बोला ये अब स्ट्रेटजी होती है, तो अब आप देख लीजिए कि अगर आप जा रहे हो तो इस तरीके से बच्चा, अब वो आपकी मर्जी है बच्चे, देखिए पैसा आपका है, सिलेक्शन रेट 0. आपके पास 0.2% है, ये आपकी बच्चे मर्जी है। वीकेंड की तरह वो कोर्स करवाएंगे, वीकेंड की तरह, वीकेंड होता है ना बच्चे हमारे पास, कि आपको पता नहीं लगेगा कि कोर्स कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हो गया, वहां पर टीचर से आप बात नहीं कर सकते कंफर्टेबली, ठीक है? क्योंकि टीचर को मना ही मतलब कि एक तरीके से होता है, बस आप डाउट सेशन वगैरह पे आप ही कर पाओगे और बिल्कुल एक किस तरीके से रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है बच्चे। मैं कभी किसी नहीं बच्चे को सर, मैं ये ज्वाइन नहीं कर, पूछ रहा हूँ आपसे बस ऐसे। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ बच्चे, एवरी डे और टू बच्चे हमारे पास ये चीज है, मेरे को जो अभी पता लगे, मैं लेटेस्ट, मेरे पास बच्चा काफी खुश हुआ, कहता कि मेरे, मैंने बोला तो क्या किया, कहता कि मैं तो पूरा पेपर जो है वो खाली छोड़ के आया, फिर भी वो मुझे 90% के आसपास की स्कॉलरशिप दे रहे। मैं बोला बढ़िया, फिर तो ले ले। मैंने बोला यार तेरे को क्या है, तेरे को क्या चाहिए इसके अंदर से? मैं बोला बढ़िया, कल को कल को मैं बोला तेरे तो हो सकता है, मैं बोला कि कहीं पर तेरे को इतनी बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी कहीं पर ना मिले, तो ये चीज है बच्चे हमारे पास, ठीक है? तो अभी आप ये अब बच्चों के ऊपर होता है, ठीक है, कि बच्चा क्या करना चाहता है क्या नहीं। आफ्टर ऑल बच्चे, मैं बच्चों को कहता हूँ, आफ्टर ऑल द लाइफ इज व्हाट यू मेक द चॉइस, मतलब कि हम जो चॉइस उठाते हैं बच्चों से लाइफ बनती है। तो बेटर वे मतलब कि आप अगर सोच भी रहे हो तो पार्थ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि क्या भाई आप कंफर्टेबल हो वहां पर, अगर 300-400 बच्चा है तो क्या आप 300-400 बच्चों में आप गुम हो जाओगे? जैसे अभी आप बात कर रहे हो तो आप कंफर्टेबली बात कर रहे हो, वहां पे कर यस पाओगे? सर, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है छोटी छोटी, क्योंकि फिर पर्सन होता है वो बंदा बोलता है यार ये तो चीज ऐसी थी, ये चीज ऐसी थी है ना? तो ये चीज है बच्चे, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, तो उसको हम छोड़ के यहाँ पर देखते हैं। पहले तो हमारा जूम ही बंद हो गया था, उसको फोकस करते हैं। तो ये सर आपने बच्चे क्या हम, बोला था? मेरा बच्चा ऊना के अंदर आपके पास जो है एक प्रोजेक्ट, जैसे आप प्रोजेक्ट वगैरह करते हो ना साइंस वगैरह के, तो अभी एचसी वर्मा, मैंने बोला था ना एचसी वर्मा साहब ने हिमाचल के अंदर खोला है, तो मैं यस सर, पर्सन का नाम या नंबर आपको दे दूंगा बच्चे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस अगर आपको कोई साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? और सर उनके मतलब कि थ्रू वो साइंस का प्रोजेक्ट मैं कि मतलब समझा आप नहीं। एक तरीके से एचसी वर्मा के, जैसे कल को तेरा स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बनता है या वहां पर उनके पास कोई स्कीम आती है नेशनल लेवल के ऊपर कि भैया कोई बच्चों को चूज करना है उन्हों में से जो रिप्रेजेंटेशन देंगे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो अगर तू जाकर उनको बताएगा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ सर, तो वो आपके एचसी वर्मा साहब से मुलाकात भी करवा सकते हैं। एचसी वर्मा साहब जब भी, वो बुला सकते हैं ऊना के अंदर उनको, ठीक है? तो जब वो हिमाचल आएंगे तो तू जाकर उनसे बात करके एचसी वर्मा साहब से मिल सकता है, ठीक है? सर वो मैं तेरे उन्ना में को, खुला है फिर उनका ऑफिस जो आप बोल नहीं रहे हो, अभी अभी खुलना है, अभी सारी चीजें खुली वैसे हैं, उन्ना में वो खुलेगा वो? कोऑर्डिनेटर बने हैं, वो कोऑर्डिनेटर बने हैं, ठीक है? खुलना कहाँ पर अभी देखते हैं कहाँ पर खुलेगा, लेकिन कोऑर्डिनेटर तो होता है ना हर जिले का, हाँ या ना? ओके सर, तो मैंने फिर तेरे लिए, मैंने बोला कि हर्षुल ऊना के अंदर है, मैं बोला वो थोड़ा साइंस प्रोजेक्ट वगैरह पे वो जाता रहता है, थोड़ा मैं बोला तेरा फायदा कर दे, हाँ या ना? हो सकता है कि तेरे को और सिमरत को एचसी वर्मा साहब को मिलने का मौका मिल जाए, हाँ या ना? तो देखते हैं, आपके पास हिमाचल काफी बाजी मार ली बच्चे, वहां के टीचर्स काफी यूनाइटेड है और उन्होंने खोल लिया बच्चे आपके पास, और काफी अच्छा रहेगा आप जाके मिलकर, आप बहुत अच्छे रिसोर्सेज होंगे उनके पास, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, मतलब कि एचसी वर्मा साहब क्या करते हैं हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर वो करवाते हैं, आप वो करवाते हैं साइंस की एक्टिविटीज करवाते हैं, तो अगर वो वहां मान लिया जाए एचसी वर्मा कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं तो तू जा एनरोल हो कर, एक्सपेरिमेंट कर बच्चे, एचसी वर्मा साहब से लाइव बातें कर, उनसे बोल कि मैं तुम्हारी बुक ये कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ना, ठीक है? यस सर। करते हैं, मैं तेरे को नंबर भेज दूंगा पर्सन को, तेरे को और सिमरत को, तो तुम देख लेना। सो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, ये बच्चे अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू के बराबर, ये काम खत्म, 3 मार्क्स का आएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर आती है नेक्स्ट चीज,
अब नेक्स्ट चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आती है, अगर हम यहाँ पर बात करने की आपसे कोशिश करें, और यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ, जो भी बच्चा आकाश में पढ़ता है वो बाहर भी पढ़ता है बाद के अंदर, क्योंकि क्योंकि उस बच्चे के बेचारे के साथ, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, हमें भी पता है कि बच्चा जो जाता है वो बाहर भी जाता है, और वो डबल तो नहीं छोड़ ही देता है ना, हाँ वो ट्रिपल है ना बच्चे, वहाँ प्रेशर है बच्चे के पास, मतलब कि हर बच्चा उसको हैंडल नहीं, मतलब कि अगर आप 30 का बैच, कंपटीशन नहीं कराते कि प्लस वन प्लस टू भी कुछ करवाते हैं? नहीं बेटा, उनका सिर्फ कंपटीशन ही होता है, सिर्फ कंपटीशन ही होता है उनका। ओके सर, मतलब स्कूल कुछ नहीं, मतलब सिंपल कंपटीशन बस। नहीं नहीं देखो, अब बात बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कि बात आपके पास, इसको ऐसे समझो, क्योंकि मैं तो एकेडमिक डायरेक्टर भी रह चुका हूँ उनका, मुझे पता है कि वहां पर जो बच्चा पढ़ता है उसको चीजों को समझने के लिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिख के छोड़ देना, क्योंकि वो उनका एक मानना है कि ये जो हम बुक दे रहे हैं ये बुक बच्चे को खुद पढ़नी है, ये बच्चे को खुद बुक पढ़नी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी सॉल्व कर देंगे हम, तो बच्चा दो दो तीन तीन, मतलब कि दो दो तीन तीन चीजें भी पढ़ता है हमारे पास। मेरे एक या दो रिलेटिव अभी जलंधर आकाश के अंदर भी एनरोल हुए थे, तो तीन एनरोल हुए थे बच्चे, तीनों में से किसी का कुछ नहीं हुआ इस साल, ठीक है। तो वो मुझे बोल रहे थे, मैंने बोला कि भैया देखो, मैंने तो आपको बोला था कि ऐसे मत करो, तो आप, मैं बोला तब आप माने नहीं, तो अब मैं बोला कि आपको बोल वेस्ट हो गए, मतलब बिल्कुल बच्चे आपके पास यहाँ पे तीन तीन मेरे रिलेटिव में किसी का नहीं हुआ बच्चे नीट के अंदर से, तो फिर वो बात है, अब आप वो कर रहे हैं, चलो हम आगे चलते। सो हमारे पास यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है, नेक्स्ट बच्चे अब हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वेलोसिटी ऑफ द आपके पास आ जाती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वेलोसिटी क्या हो जाती है, यहां पर भी मेथड ऑफ डायमेंशन लगता है, अब वो इट कैन बी लेफ्ट एज एक्सरसाइज कि आप इसको कर सकते हो। यहां पर बोला जाता है कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बल्क मॉडुलस, द बी की पावर एक्स इनटू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि बल्क है ना बच्चे, मीडियम के अंदर जाता है, बहुत बड़ा मीडियम चाहिए, तो बल्क मॉडुलस बी की पावर एक्स और आपके पास रो की पावर बच्चे हमारे पास यहाँ पर वाई आ जाती है। तो जब हम इसको पूरे को, वही चीजें कि वो बल्क मॉडुलस है, डेंसिटी है, तो वी इज इक्वल टू के बल्क मॉडुलस बी की पावर आपके पास एक्स और बच्चे डेंसिटी की पावर आपके पास आ जाती है भाई, तो ये हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है। व्हेन वी सॉल्व दिस वन, जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मेथड ऑफ डायमेंशन से, तो वी हैव एम जीरो एल टी माइनस वन और के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, बी बल्क मॉडुलस है बच्चा हमारे पास, तो ये बच्चे आपके पास अब प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो एम एल टी माइनस ऑफ टू, तो नीचे बच्चे आपके पास एल स्क्वेयर आ जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस ऑफ टू की पावर एक्स और डेंसिटी, तो एम एल माइनस थ्री की पावर आपके पास क्या आ जाती है, वाई आ जाती है। जब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, एक्स कम्स आउट टू बी हाफ एंड वाई कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ हाफ, देन दी वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज गिवन बाय, ये बच्चे आपके पास बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम इनटू डेंसिटी ऑफ द मीडियम, वेयर बी इज द बल्क मॉडुलस, बी मेरे पास क्या आ जाती है, दिस इज द बल्क मॉडुलस, ये हमारे पास आ गया बल्क मॉडुलस, और रो मेरे पास यहां पर क्या आ गई, डेंसिटी, रो मेरे पास यहां पर क्या आ गई, डेंसिटी, तो ये दो चीजें मेरे पास आ जाती है बी और नीचे हमारे पास यहाँ पे रो, तो ये दो चीजें मेरे को दिमाग में रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि बल्क मॉडुलस सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, और बच्चे आपके पास उसके बाद क्या आ जाता है, लिक्विड का, और फिर तीसरी चीज आ जाती है बल्क मॉडुलस इज लीस्ट फॉर द गैसेस, तो साफ पता लगता है कि जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इनफैक्ट साउंड वेव भी, वो बच्चे सॉलिड में सबसे तेज चलेगी और गैसेस में सबसे लीस्ट उनके बच्चे हमारे पास स्पीड हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर बच्चा हमारे पास लिक्विड के अंदर है, और आखिरकार ये हमारे पास किस में है बच्चे, गैसेस के अंदर, तो ये याद रखने वाली चीज है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, हमारे पास यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट और भी आ जाता है, एक एडिशनल पॉइंट मेरे पास और भी आ जाता है, ये देखिए एडिशनल पॉइंट क्या,
तो मेरे पास एक एडिशनल पॉइंट आपके पास और क्या आ जाता है, जिसको हम यहाँ पर ये बोल देते हैं बच्चे एडिशनल पॉइंट, और वो एडिशनल पॉइंट बच्चा हमारे पास ये, अगर हम दिमाग लगाए तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है कि वेलोसिटी इज आल्सो, लेकिन सॉलिड्स के केस में, यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी रो, यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी रो सॉलिड्स के केस में, या फिर ये एक्सेप्शनल, और वेलोसिटी इज आल्सो गिवन बाय एटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन रो, ये भी सॉलिड्स के केस में, लेकिन ये टीचर जब आपके पास टीचर बोलता है चल यार मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं, तो वो एक नया क्वेश्चन बन जाता है, अदरवाइज इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। अब चलते हम आगे की तरफ। अब हमारे पास अगर हम आगे की तरफ को चले तो हमारे को अब यहां पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये दो चीजें कैसे, अब कई बार बच्चा बोल देता है कि सर ये दो चीजें कैसे, तो इन दो चीजों के अंदर है, जब आप किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करना चाहते हो ना, तो छोड़ते हो तो ट्रंक ट्रंक करके आवाज आती है, या आप उसकी शेप को चेंज करना चाहते हो तो उसमें आवाज आती है, तो ये वो वाली वेव्स है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको सिर्फ याद कर सकते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए हमारे पास आ जाता है टॉपिक विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, the velocity of the sound waves in the air, the velocity of the sound wave in the air, the velocity of the sound waves in the air, sound waves in air। तो हमारे पास एयर के अंदर साउंड वेव को बच्चा हमको किस तरीके से कैलकुलेट करना, तो दो बातें, न्यूटन ने इसका अपना फॉर्मूला दिया जो कि फॉर्मूला पूरी तरह से डिमोलिश हो गया, गलत हो गया, यानी कि वो फॉर्मूला बिल्कुल गलत हो गया, और हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आया बच्चा हमारे पास किसकी वजह से, लैपलेस की वजह से, जो करेक्टेड फॉर्मूला था जिसमें उसने करेक्शन लगाई और फॉर्मूला बिल्कुल टू द पॉइंट टिक गया आपके पास जाके। अब इन दोनों को हमको पढ़ना है, न्यूटन का गलत फॉर्मूला भी पढ़ना है और आपके पास लैपलेस का करेक्ट फॉर्मूला भी, ये पढ़ना, और टीचर आपको पूछेगा भैया कि क्या गलती हो गई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर न्यूटन्स फॉर्मूला की, सो वी हैव द न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला, भाई आप देखो ना कितना बड़ा लेजेंड था, कितना बड़ा लेजेंड था बच्चा हमारे पास, वो कितना बड़ा लेजेंड होगा कि उसके गलत फॉर्मूले को भी आज, उसके मरे हुए कितने साल हो गए, आज भी उसका नाम जिंदा है, हाय ना, जिंदा है ना उसका नाम, हम भी न्यूटन बोल रहे हैं, कहां पर आप पठानकोट में, इतने पूरे वर्ल्ड के अंदर बच्चे एक छोटी सी जगह, वहां पर आप एक छोटी सी उस सिटी के अंदर कहीं छोटी सी जगह पे बैठ के एक छोटे से लैपटॉप और उसमें न्यूटन, कौन था न्यूटन, बोलेंगे यार कोई तो था जिसको याद किया जा रहा है, इसको कहा जाता है काम करना, यानी कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको, जब तक बच्चे दुनिया रहेगी न्यूटन फॉर्मूला रहेगा, आया ना, रहेगा कि नहीं रहेगा, इसी को बोलते हैं लोग चले जाते हैं। अब आपको अगर मैं बोलूं पहला एक्टर कौन था, वो कौन था या कौन था, कोई नहीं जानता, पहला प्लेयर कौन था क्रिकेट का, कोई नहीं जानता, न्यूटन को सब जानेंगे भैया, क्योंकि काम ऐसा करके गया। तो न्यूटन ने बोला, न्यूटन एक चीज बोली और उसने बहुत सिंपल सी बात बोली, उसने ये बोला कि आपके पास साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो साउंड मेरे पास एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, द साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज फॉर्म, एंड द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज फॉर्म, द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, द कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शन इज फॉर्म, हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, उसने बोला कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, उसने बोला द हीट डेवलप्ड, जो आपके पास हीट डेवलप हो रही है इन कंप्रेशन, द हीट डेवलप्ड इन कंप्रेशन, इन द कंप्रेशन, जो हीट आपके कंप्रेशन में डेवलप हो रही है, द हीट डेवलप्ड इन द कंप्रेशन इज ट्रांसफर्ड टू द रेयर फ्रैक्शन, ताकि एयर का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, इज ट्रांसफर्ड टू द रेयर फ्रैक्शन, और आपसे ऐसा करने से हवा का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, जब मैं आपसे बात करता हूं तो हवा का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, तो उसने बोला ये आइसोथर्मल प्रोसेस,
Therefore, bulk modulus of the isothermal process. अब इसको दोबारा derive करने की जरूरत नहीं, ये हम कर चुके हैं. Which is equal to pressure P. ये चीज हम thermodynamics के अंदर already prove कर चुके होते हैं. जिस बच्चे को भूल गया हो वो बच्चा बाद के अंदर पूछ सकता है कि भैया सर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हम इसको किस तरीके से देख पाते हैं. तो एक अलग चीज है, फिर हम उसको हम देख पाते हैं बच्चे के उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना. पर P हमारे पास यहाँ पर प्रेशर आ जाता है आपके पास बल्क मॉडल्स के बराबर. ये पूरी तरह से डिराइव्ड है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लासरूम है. लेकिन अगर ये क्लासरूम में आपको नजर नहीं आया कभी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चलिए आगे चल सकते. तो उनके हिसाब से बच्चे क्या हुआ, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू तो अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस. तो बल्क मॉडुलस ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस डिवाइडेड बाई डेंसिटी रो. तो बल्क मॉडुलस प्रेशर पी के बराबर हो गया और डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर. तो प्रेशर पी बच्चे आपके पास कितने के बराबर आ गया, 1.0 इंटू 10^5 और नीचे डेंसिटी ऑफ द एयर, तो ये 1.29 के आसपास होती है. जब इस पूरे को सॉल्व किया गया तो आपकी वेलोसिटी ऑफ एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड आई 282 मीटर पर सेकेंड, जबकि ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ साउंड कितने के बराबर होती है, बट द वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड, जो वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड है, उन्होंने बच्चा हमारे पास यहां पर बोला कि ये आपके पास होती है 332 मीटर पर सेकेंड. अब ये न्यूटन ने निकाली और लेकिन बच्चे ये साउंड की स्पीड होती है, तो इसका मतलब जो एरर है वो ग्रेटर देन 15% है, वो ग्रेटर देन 15% है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई. क्या गलती हुई है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता. बहुत साल बीत गए, लोग यही यूज करते रहे, साथ में परेशान होते रहे कि यार भाई ये हो क्या रहा है, न्यूटन का नाम इतना बड़ा है कि कोई पंगा लेके राजी नहीं है. या बेइज्जती भी होगी कि न्यूटन को गलत करने चला था, बोलो बेइज्जती ज्यादा होगी इसलिए चुप करके बैठे हुए. तो यहां पर फिर एक पर्सन आए जिनका नाम था लैपलेस, मैथमेटिशियन थे, तगड़े बंदे थे, इंटेलिजेंट पर्सन था. तो लैपलेस ने इस प्रॉब्लम को करेक्ट किया, उसने लैपलेस ने करेक्ट कर दिया उसने इसको, और लैपलेस ने करेक्शन लगा दी. क्या करेक्शन लगाई, उसने बोला कि न्यूटन के ये अजम्पशन ही गलत है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है. उसने ये बोला हमारे पास द साउंड प्रोपोगेशन जो साउंड आपके पास प्रोपोगेट करती है, द साउंड प्रोपोगेशन इज आपके पास यहां पर बोला जाता है आइडियाबेटिक इन नेचर. बोला ये आइडियाबेटिक है, दिस इज आइडियाबेटिक इन नेचर, ये पूरी तरह से आपके पास आइडियाबेटिक आ जाएगी नेचर के अंदर. The sound propagation is adiabatic in nature. Adiabatic का मतलब, अब उसको बोला गया कि भाई वो तो isothermal बोल रहा था. उसने बोला number one, उसने बोला कि मेरे बोलने की वजह, उसने बोला air is a bad conductor of heat. Bad conductor of heat. तो न्यूटन ने तो गलत बात बोल दी. वो बोल रहा है कि air में से क्या हो रहा है, आपके पास जो साउंड वेव है वो ट्रेवल कर रही, वो साउंड वेव जो है ट्रेवल कर रही, वो कैसे 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 हीट कैसे ट्रेवल कर जाएगी, तो बैड कंडक्टर होता है. तो उसने बोला एयर इज अ बैड कंडक्टर, तो ये कहना कि हीट ट्रांसफर होती है बिल्कुल गलत बात है. फिर दूसरी चीज उन्होंने बोला कि साउंड एक बहुत फास्ट प्रोसेस है, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस काफी स्लो होता है. तो उसने बोला काफी फास्ट प्रोसेस है, इस वजह से ये आइडियाबेटिक होगा या आइसोथर्मल नहीं होता. और बल्क मॉडुलस ऑफ द आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, द बल्क मॉडुलस ऑफ द आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, तो ये आपके पास होता है गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर पी. ये बच्चा हमारे पास गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर पी होता है, तो उसने यहां पर इसको कर दिया चेंज और ये बच्चा हमारे पास आ गया गामा पी अपॉन आपके पास डेंसिटी. और गामा की वैल्यू आपके पास कितने के बराबर होती है, गामा 7/5, क्योंकि जो एयर है वो आपके पास डायटोमिक होती है. और जैसे ही उसने इसकी वैल्यू इसमें डाली तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव
आपके पास यहां पर आ गई 331.2 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्सेप्टेबल थी, यानी कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो लैपलेस ने ये आपके पास क्या किया, करेक्ट किया। लगी बात पता बच्चे आपको, लगी बात पता, यस और नो? यस और नो? एयर इज द बैड कंडक्टर वाला समझाना बेटा। एयर जो होती है वो तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, आप खुद सोचो ना इसके अंदर से। एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट कैसे, जरा सोच के देखो। हमारे पास जो आप ये गर्मियों के अंदर रजाई बनाते हो, ये कपड़े पहनते हो, रजाई में रुई होती है, रुई क्या स्टोर करती है कि वो आपको गर्म रखती है, बताओ शाबाश, क्या रखती है बच्चा? एक बात समझ में आ गई, वो आपको गर्म, क्योंकि हवा ट्रैप होती है तो वो बच्चे आपके पास गर्म, यानी कि वो हीट को बाहर नहीं जाने देती। दूसरी चीज, अगर बच्चे बोला जाए कि कैसे पता किया जाए कि हीट इसमें से जाएगी कि नहीं जाएगी, तो बच्चे ये चेक कर लो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर होगा वो हीट का भी कंडक्टर होगा। अब बताओ हवा में से क्या बिजली कभी जाती है, हवा में से बिजली कभी जाती है? आपने ऐसे हवा में एक बल्ब लगा दिया, वहां पर आपने बल्ब के आगे एक जो है बच्चे वायर लगा दी, वायर में करंट जा रहा है और हवा से करंट पास होकर उसने बल्ब को जला दिया, कभी ऐसा देखा आपने बच्चे? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। इसका रीजन क्या है बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो एयर होते हैं वो बेसिकली इंसुलेटेड है, वो बच्चे इंसुलेटर है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसकी वजह से वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो उसने बोला, लैपलेस ने बोला गलत बात कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बात ये भी है भाई, इंटेलिजेंट और हिम्मत भी तो, रिस्क भी तो लिया अगले दिन। न्यूटन के फॉर्मूले को उसने करेक्ट कर दिया और पता लग गया वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितने के बराबर आ गई। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितने के बराबर आई बच्चे बताओ? ये गामा पी अपॉन रो, रो डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहां पर उसने बोला देयर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द साउंड अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द साउंड अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द साउंड यानी कि स्पीड ऑफ साउंड को हमारे पास कोई ना कोई फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? नंबर वन प्रेशर। तो हमारे पास यहां पर आ जाता है गामा पी अपॉन रो। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज क्या आ जाती है, ध्यान से समझना, क्योंकि मेरे पास यहां पर हम बोलते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर इंटू टी, मान लेते हैं बच्चा हमारे पास यहाँ पर टी, और यहां पर मेरे पास इसका एक और फॉर्म है। अब आपकी केमिस्ट्री देखनी पड़ती है यहां पर कि एम अपॉन मोलिकुलर मास इंटू आर इंटू टी, ये मास अगर इसके नीचे चला जाएगा तो P अपॉन रो इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम। तो हम जब कहीं पर भी साउंड प्रोपोगेट होती है तो उस कमरे का टेम्परेचर, वही तो उसने बोला कि टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। तो हमारे पास यहां पर आपके पास P अपॉन रो, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो आपकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रेशर को आप इंक्रीज कर देते हो तो आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी, उसकी रेशियो बढ़ जाती है बच्चे। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से यहां पर कहा जाता है there is no effect on the sound velocity when you change the pressure। अगर आप प्रेशर को चेंज करते हो, अगर कोई पर्सन बोलता है मैंने प्रेशर को ट्रिपल कर दिया थ्री, तो उससे डेंसिटी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से हम ये बोल देते हैं कि भाई यहां पर ऐसा नहीं होगा, आपके पास अगर आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी भी आपके पास इंक्रीज हो जाती है। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं, कहने का मतलब दूसरी चीज, इफेक्ट ऑफ द डेंसिटी। अब डेंसिटी का बच्चा हमारे पास इससे
इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है, क्योंकि आप मान लिया जाए हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लेके आ जाओ, नाइट्रोजन की जगह हीलियम ले आओ, ऑक्सीजन ले आओ, तो सबकी डेंसिटीज अलग अलग है, सेम प्रेशर के ऊपर सबकी डेंसिटी अलग अलग है, तो सबके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग अलग तरीके से चलेगी। लोग जो होते हैं हीलियम के गुब्बारे में से हवा को इनहेल करके बातें करते हैं तो उनकी आवाज चेंज हो जाती है। रीजन, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो आपके आवाज की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? यहां पर देखो, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द डेंसिटी। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी आपके पास रो, तो ये इफेक्ट ऑफ डेंसिटी है, ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ डेंसिटी है। तो डेंसिटी इंक्रीज करने से वेलोसिटी कम हो जाएगी और डिक्रीज करने से वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ये हमको पता है, इफेक्ट ऑफ द डेंसिटी। सो ये इनवर्सली है, इसका मतलब क्या आ गया, जैसे मैं आपको बोलूं द वेलोसिटी इन द हीलियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द नाइट्रोजन, तो इसको कैसे लिखोगे, अंडर रूट ऑफ, तो ऊपर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, नीचे डेंसिटी ऑफ आपके पास हीलियम, तो ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हो। तीसरा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी। तीसरा, ह्यूमिडिटी से बहुत फर्क पड़ता है, ये भी देखा गया बच्चे कि ह्यूमिडिटी से, इफेक्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। देखिए फैक्ट्स होते हैं, साइंस इज अ फैक्ट, मतलब कि कई फैक्ट्स होते हैं जिनको बार बार चेक किया जाता है जब तक कि उनके एक्सेप्शन ना मिले, और जब तक एक्सेप्शन नहीं मिलती है हम फैक्ट को ही ट्रुथ मान के चलते हैं। तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इन द ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इन द ड्राई एयर। कहने का मतलब बॉम्बे के अंदर हवा की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपके पास राजस्थान। रीजन, क्योंकि हमारे बॉम्बे के एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जैसे रात के वक्त ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और सुबह के वक्त ह्यूमिडिटी कम होती है, तो रात के वक्त हवा जो है वो ज्यादा दूर तक जाएगी, ज्यादा स्पीड होगी, और सुबह के वक्त ड्राई है क्योंकि सनलाइट आ जाती है, जिससे बच्चे वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर। नेक्स्ट वन बच्चा, हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर, तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड एंड द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, क्या आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या, तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव अगर हम देखें तो अंडर रूट ऑफ गामा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, पी अपॉन रो। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर गामा पी रो, तो पी और इसको बच्चे हम गिवन मास अपॉन वॉल्यूम वी। अब देखते चलते हैं बच्चे इसके अंदर से, गिवन मास है ये, देखते हैं, तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहूं तो अंडर रूट ऑफ गम पीवी, तो गिवन मास आर इंटू टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू गिवन मास, पता लग रहा होगा, मैं एन आर टी को पीवी इज इक्वल टू एन आर टी को, एन को मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये आपके पास गिवन मास से गिवन मास कैंसिल हो गए। हालांकि इसमें एक फैक्ट और भी आएगा जो इसके बाद हम चेक कर लेंगे, वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन बच्चा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आपके पास एम आ जाता है, वी हैव द मॉलिक्यूलर मास आपके पास जो कि कैपिटल एम, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास नहीं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया बच्चे, टेम्परेचर। So, अभी तो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सो देयरफॉर मुझे क्या पता लगा कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव एट द टेम्परेचर टी इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टी। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान में रखना, यहां पर आपने टेम्परेचर हमेशा किस में लेना बच्चे, केल्विन के अंदर, नेवर यूज डिग्री सेल्सियस, नेवर यूज आपके पास डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फिर जीरो डिग्री सेल्सियस पे इस लॉजिक के हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमेशा याद रखना बच्चे कि हम इसको हमेशा केल्विन के अंदर लेंगे, मतलब मेरे पास इसका मतलब हो गया, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड एट जीरो डिग्री सेल्सियस किसके बराबर, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट जीरो डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, बोलो शाबाश, जीरो डिग्री सेल्सियस पे किसके बराबर आ जाएगी, तो आप लिखोगे वेलोसिटी एट जीरो डिग्री सेल्सियस, ये बच्चे सी और अंडर रूट ऑफ, अब जीरो तो लिख नहीं सकते, केल्विन में आप क्या लिख दोगे, 273।
एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड एट टी डिग्री सेल्सियस, एट टी डिग्री सेल्सियस, तो बताओ कितने के बराबर आ जाएगा? तो वेलोसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? सी अंडर रूट ऑफ, सी अंडर रूट ऑफ, अब मेरे पास कितना आ जाएगा? दिस इज 273 प्लस ऑफ बच्चे मेरे पास t. मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने इसको यहां पर किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चे? केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे करना क्या है? मुझे बहुत सिंपल सी चीज है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना और देखना कि होता क्या। तो मेरे पास अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो वेलोसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस अपॉन वेलोसिटी एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो ये सी से सी कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 273 प्लस ऑफ टी इसकी पावर हाफ डिवाइडेड बाय 273 और इसकी पावर आपके पास हाफ। अब आगे चलते, आगे बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ गया? वेलोसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस, वेलोसिटी एट जीरो डिग्री सेल्सियस 332 मान के चलते, 273 by 273 1 plus of t divided by 273 और इसकी पावर हाफ। ये बच्चे अब आपके पास क्या आ गई? वेलोसिटी, 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 ये वेलोसिटी बच्चा आपके पास आ जाएगी साउंड वेव के एट एनी टेम्परेचर ऑफ टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, इसको अब आप कर लीजिए, ये आधा चैप्टर बच्चा आपका खत्म हो गया। ठीक है, द हाफ ऑफ द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, थैंक यू सर, है ना, तो आधे को अब हम कल देखते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।